हिमालय पर्वत की गोद में बहती हुई गंगा जी के तट पर एक बड़ी ही पवित्र गुफा थी। एक बार नारद जी ने जब उस सुहावनी गुफा को देखा, तब उनके मन में उस गुफा में रहकर तपस्या करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। फिर नारद जी उस गुफा में बैठकर भगवान नारायण की तपस्या करने लगे। नारद जी अपनी उस तपस्या में इस प्रकार लीन हो गए कि हमेशा की तरह देवराज इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र को लगा कि देव ऋषि नारद उनसे स्वर्ग का राज्य छीनने के लिए ही यह तपस्या कर रहे हैं, अन्यथा नारद जी को इस कठोर तपस्या करने की जरूरत क्या है। देवराज इंद्र जो हमेशा अपने स्वर्ग के छिन जाने के डर से तपस्वियों और मुनियों की तपस्या भंग कराते हुए आए थे, उन्होंने नारद जी की तपस्या भी भंग कराने के लिए अपने परम मित्र कामदेव को भेज दिया। कामदेव जी ने अपनी माया के द्वारा नारद जी के चारों तरफ बसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया, जिससे काम अग्नि भड़काने वाली फूलों की महक शीतल हवा के साथ बहने लगी। परंतु नारद मुनि के ऊपर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव जी को यह डर सताने लगा कि कहीं नारद मुनि उन्हें श्राप न दे दें। इसलिए उन्होंने नारद जी से क्षमा मांगी और नारद मुनि ने उन्हें क्षमा भी कर दिया। इस बात से नारद जी को यह घमंड हो गया कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर पाए, और नारद जी ने यह बात बड़े गर्व के साथ सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी को बताई, फिर जाकर भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने नारद जी की बातों में अहंकार भरा हुआ देखा तो उन्होंने नारद जी को समझाया कि भगवान विष्णु के सामने अपना अभिमान इस प्रकार प्रदर्शित मत करना। भगवान शिव के इस प्रकार समझाने के बाद भी नारद जी ने बड़े घमंड के साथ भगवान विष्णु को अपना प्रसंग सुना दिया। भगवान हरि ने जब नारद जी का यह घमंड देखा तो उन्होंने सोचा कि नारद जी का इस प्रकार घमंड करना उचित बात नहीं है, इसलिए इनका घमंड तोड़ना मेरे लिए अनिवार्य हो जाता है। इसलिए भगवान हरि ने आकाश मार्ग से वापस जाते हुए मुनि नारद जी के रास्ते में एक मायावी नगर का निर्माण कर दिया। नारद जी की नजर जब उस सुंदर से नगर पर पड़ी तो वह अपने आप को रोक नहीं पाए और उस नगर में प्रवेश कर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उस नगर के राजा का महल फूलों से सजाया जा रहा है, तो नारद जी ने वहां के लोगों से पूछा कि इस नगर का राजा कौन है और यह सजावट किस लिए की जा रही है। तब लोगों ने नारद जी को बताया कि इस नगर के राजा महाराजा शीलनिधि हैं और यह सजावट उनकी अति सुंदर पुत्री राजकुमारी विश्वमोहिनी के स्वयंवर के लिए हो रही है। यह बात सुनकर नारद जी महाराजा शीलनिधि के पास उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। महाराजा शीलनिधि ने जब नारद जी को देखा तब उनका उन्होंने पूजन किया। फिर महाराजा ने अपनी पुत्री विश्वमोहिनी को बुलाकर देव ऋषि नारद से प्रार्थना की कि वह उसकी पुत्री का हाथ देखकर उसके गुण दोष तथा भविष्य के बारे में बताएं। जब नारद जी ने राजकुमारी विश्वमोहिनी का हाथ देखा तो वह अपना वैराग्य ही भूल गए, क्योंकि उस राजकुमारी की हस्तरेखा यह बता रही थी कि उससे जो भी विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा और संसार के समस्त प्राणी उसकी पूजा करेंगे। हस्तरेखा से यह बात जानने के बाद भी नारद जी ने यह बात महाराजा शीलनिधि को नहीं बताई और बस इतना ही कह दिया कि तुम्हारी पुत्री का बहुत ही अधिक उज्जवल भविष्य है। भगवान विष्णु की माया में फंस चुके नारद जी मन ही मन यह उपाय सोच रहे थे कि किस तरह यह राजकुमारी विश्वमोहिनी उनकी पत्नी बन जाए।
तभी उन्हें भगवान विष्णु की याद आई और वह तुरंत भगवान हरि के सामने प्रकट हो गए और उन्हें सारी बात बताकर उनसे विनती की कि मुझे अपना सुंदर हरि रूप दे दो ताकि मैं उस राजकुमारी से विवाह कर सकूं। तब भगवान हरि ने कहा कि हे नारद, हम वही करेंगे जिससे तुम्हारा कल्याण हो। जाओ, जो तुमने मुझसे मांगा है वह तुम्हें देता हूं। भगवान विष्णु की बात नारद जी समझ नहीं पाए और अपने तन पर आए राजाओं जैसे वस्त्र देखकर यह समझ गए कि उनका रूप हरि के रूप जैसा ही हो गया है। नारद जी जब राजकुमारी विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पहुंचकर एक सिंहासन पर बैठे तो उनके अगल बगल के सिंहासनों पर बैठे भगवान शिव के दो गण उन्हें देखकर हंसने लगे। परंतु जब राजकुमारी विश्व मोहिनी वरमाला लेकर सभी राजाओं के पास से होती हुई नारद जी के पास आई तो वह नारद जी को देखकर डर सी गई। यह देखकर नारद जी को कुछ शंका होने लगी और पास बैठे गण भी जोर जोर से हंसने लगे। भगवान विष्णु भी एक राजा का रूप धारण करके उस स्वयंवर में आए थे। विश्व मोहिनी ने जब उन्हें देखा तो अपने वरमाला उनके गले में डाल दी। जब नारद जी ने उन गणों के कहने पर अपना मुख दर्पण में देखा तो वह क्रोध से भर उठे क्योंकि उनका मुख वानर का था। नारद जी ने अपने उसी क्रोध में हंसते हुए गणों को अगले जन्म में राक्षस होने का श्राप दे दिया और फिर भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें भी श्राप दिया कि जिस प्रकार तुम्हारे कारण मैंने स्त्री वियोग को सहा है उसी प्रकार तुम भी मनुष्य रूप में अपनी स्त्री का वियोग सहोगे और तुमने मुझे जो ये वानर रूप दिया है इस कारण तुम्हें अपनी स्त्री को पाने के लिए वानरों का ही सहयोग लेना पड़ेगा। नारद जी के श्राप देने के बाद भगवान नारायण ने नारद जी के ऊपर से अपनी माया का प्रभाव हटा दिया। माया के हटते ही नारद जी को बड़ा दुख हुआ कि वह यह क्या गलती करने जा रहे थे और वह बहुत लज्जित हुए और भगवान विष्णु से क्षमा मांगने लगे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैंने तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए यह माया रची थी। तुमने मुझसे हरि रूप मांगा था। हरि वानर को भी कहा जाता है, इस कारण मैंने तुम्हें उनका रूप दे दिया था। देव ऋषि नारद ने श्राप तो दे ही दिया था जिसे खत्म नहीं किया जा सकता था। इसी कारण भगवान विष्णु को भगवान श्री राम के अवतार में माता सीता का वियोग सहना पड़ा था और श्राप के हिसाब से ही उन्हें वानरों का सहयोग लेना था। इस कारण सभी देवताओं ने अपने पुत्रों को वानर और ऋक्षों के रूप में ही जन्म दिया था।